तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरे काम, सीखना आपका। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। टिकटॉक पर जब कोई ट्रेंड अच्छा सा चल जाता है तो लोग उसके पीछे ना जाने क्या क्या कर देते हैं। अभी एक गाना आया था, हर पल मेरी याद तुझे तड़पाएगी, तो लोगों ने छत से कूदा, बिहार से कूदा, दिल्ली से कूदा, जमुना में कूदा, पता नहीं कहाँ कहाँ कूदा। वीडियो इतनी अच्छी आनी चाहिए थी कि बस व्यूज अच्छे मिल जाए, लाइक अच्छे मिल जाए, लेकिन कूदने के बाद जो चोट लगी वो आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा, यहाँ तो बात ट्रेंडिंग की चल रही है फिलहाल, लेकिन उस गाने से ट्रेंड हटने के बाद अभी उसी गाने का ट्रेंड दोबारा आ चुका है। जैसे कि पहले वो गाना था कि अगर कोई छत पे से कूद रहा है तो वहां पर गोली की आवाज चलती थी, तब वो कूदता था और वो भी स्लो मोशन में। लेकिन यहाँ पर अभी जो ट्रेंड हो चुका है वो आप देख सकते हैं, ये जी हाँ, मेरे ही फोटो है और साथ में आप देख पा रहे होंगे ऐसा ट्रेंड, यानी कि बम बम लगा हुआ है और बम अब फटेगा और फटने के बाद भी वही गाना चलेगा साथ में, हर पल मेरी याद तुझे तड़पाएगी। तो याद कितनी है जिसकी वजह से बम से फटने को तैयार है, कितनी अच्छी यादें हैं जो इंसान को कूदने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी यादें हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर शेयर करो यार। लेकिन हाँ, वीडियो कैसे बनानी है यहाँ पर ये बात तो हम करना भूल गए। अच्छा, यहाँ पर वीडियो बनानी है बहुत छोटी सी आसान चीज़ों से, जो कि एक क्रोमा क्रिप की जरूरत पड़ेगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। बनाना उसके बाद कैसे है, काइन मास्टर से बनाना है, कैसे करते हैं फटाफट से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने काइन मास्टर अपना ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से भी इंटरफेस खुल के आ जाता है आपके काइन मास्टर का। मैंने वीडियोस पहले ही बना रखी है लेकिन मैं आपको यहाँ पर नई क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट पर आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर अपना पूरा डैशबोर्ड हमारा खुल जाता है। मीडिया में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपनी वो सारी चीज़ें लेनी है, जैसे कि ये रहा वो सॉन्ग और ये रहा वो एक गाना जो मैंने टिकटॉक से यूज़ कर रखा है। स्क्रीनशॉट कैप्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरा जो यहाँ पर अभी दिखा रहा है वो टोटली मेरा जो डाउनलोड में है, वहाँ पर डाउनलोड में आ जाते हैं हम। तो डाउनलोड में मेरा क्रोमा ये पड़ा, तो ये मेरा क्रोमा रोमा सब आ चुका है। अभी यहाँ पर एडजस्ट देखिए क्या करना है हमें। सेम ये सॉन्ग है हमारा, इस सॉन्ग को पहले साउंड कर देते हैं बंद, साउंड बंद कर देते हैं। और ये रहा वो टिकटॉक का साउंड, तो टिकटॉक के साउंड को हम कैंची पर क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक कर लेंगे तो उसकी ऑडियो निकल जाएगी, वीडियो की हमें जरूरत नहीं है, वीडियो डिलीट कर देंगे और ऑडियो को खींच के हम सीधा सा सिंपल यहाँ कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें देखना है गाना चला के कि वो आवाज़ फटने वाली पहले साउंड कहाँ पे आता है। तो देखो, साउंड चला गया कुछ पता नहीं, तो यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं कैंची पर कट करके फटाफट से। तो यहाँ पर दोबारा प्ले कर लेते हैं, देखो तो ठीक है, मैंने जैसे कि एक्टिंग करी है बेकार एक्टिंग है, लेकिन फिर भी उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा प्ले करते हैं। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़, ठीक है, थोड़ा सा और हम यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट साउंड पे आएगा वो। तो चलिए एक बार फिर से करके देख लेते हैं। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़, बिल्कुल करेक्ट आया। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पर साउंड गोली की आवाज़ आ रही है वहाँ पर हम जाके एक बार पॉज करते हैं। तो क्यों पॉज करेंगे वो, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ। पहले जहाँ गोली की आवाज़ चल रही है, अब यहाँ पे हम सेकंड कट यानी कि दो कट यहाँ पे भाग में हम कर देते हैं, स्प्लिट एट प्ले है, दो कट में हमने यहाँ पे पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्रोमा स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये देखिए ये हमारा खत्म हो गया, यहाँ से हमारा क्रोमा स्टार्ट है। तो कैंची पर कट करके यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट पिन ऐड कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम इसको यहाँ पर ये देखिए जहाँ डिलीट का ऑप्शन है लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे थ्री डॉट का क्लिक है, यहाँ पे कर देता हूँ। ये डुप्लीकेट एज लेयर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेयर बन जाएगी और हमारी ऊपर वाली की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सीधे से सिंपल डिलीट मार देंगे। लेयर जो हमने करी थी उसको होल्ड करके रखेंगे, थोड़ा सा आगे खींच के ले आएंगे और एकदम बिल्कुल यहाँ पर रख देंगे। अभी देखिए ये जो है बिल्कुल हमारा परफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम क्या है, थोड़ा सा पहले नीचे करके इसको देख लेंगे कि परफेक्ट फट रहा है साउंड सही तरीके से या नहीं फट रहा है, तो एक बार ये भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए एकदम करेक्ट सही फट रहा है एकदम। तो यहाँ पर जितना साउंड है हमें साउंड के हिसाब से उतना ले लेना है। तो यहाँ पर इसको अभी क्या करना है, हम सेकेंड वाला जो था हमारा वो बिल्कुल हमारा स्लो में एकदम आना चाहिए, तो ये आ गया हमारा स्लो। अब यहाँ पर जहाँ तक हमारा साउंड आ रहा है, देखिए ब्लू वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे सेम, आप जो ब्लू जो हमारी ऑडियो क्लियर थी, ऑडियो क्लियर जहाँ लास्ट हो रही है वहाँ पर हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कैंची के कट पर निशान करिए और यहाँ पे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर हमने क्लिक कर दिया ख़त्म। सेम वैसे ही हमें क्रोमा कट वाले को भी ख़त्म कर देना है। अच्छा, अभी हमें क्रोमा यहाँ पे सेट करना है। फट रहा है साउंड एकदम ठीक ठाक आ रहा है, ये सब समझ में आ गया, तो लेकिन यहाँ पर क्रोमा हमारा सेट नहीं है। तो जैसे ही हम क्रोमा क्लिक करेंगे इसको अनेबल कर देना। अनेबल करने के बाद देखिए अभी हमारा ये कुछ इसको एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट आपका अभी नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर की कलर जो है वो देख पा रहे होंगे, हमारा क्रोमा कलर यहाँ पर ग्रीन है और की कलर जो है हमारा वो थोड़ा ब्लू कलर या स्काईली ब्लू आ रहा है। तो उसको अभी की कलर पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रोमा पर आ जाएंगे। क्रोमा पर आके जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए हट गया, और यहाँ पर अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो लगे आपको कि एकदम
परफेक्ट आ रहा है वो, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे इसको देखिए ट्रिम कट कर लेता हूँ, जो साउंड फटते हुए भी ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ओरिजिनली फट रहा है और ये धोखाधड़ी नहीं कर रहा, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना धोखाधड़ी कर देते हैं, मुझे वो सब पसंद नहीं है यार। चलिए तो ये करके अभी हमें क्या करना है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, नॉर्मल से इसको हम सीधा से जाते हैं और सबसे पहले जो हमारी ऊपर की हमारी वीडियो हमने स्टार्टिंग में ली थी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रोटेट एंड मिररिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रोटेट इसको फटाफट से हम इस तरफ कर लेंगे जो हमारी लेंथ वाइज यहाँ पे आ जाए, क्योंकि टिकटॉक पर हमें लेंथ वाइज देनी होती है। तो ये देखिए लेंथ वाइज हमें यहाँ पे देनी है, तो ये लेंथ वाइज हो गई। अब यहाँ पे क्रोमा जो है वो हमारा रोटेट नहीं हुआ है, तो सेम क्रोमा को भी हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर रोटेट करने के लिए इसको इस तरह से हम इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद अभी हमें इसको क्या करना है, इसको खींच के बड़ा कर देना ताकि पूरी स्क्रीन पर आए, और स्क्रीन पर आने का मतलब है क्योंकि जब फटेगा वो तो पूरे स्क्रीन पर आपको दिखेगा, इतना हमें यहाँ पर रखना है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है, ये हमने जैसे कि मान लो यहाँ रख दिया। अभी देखिए अब हम साउंड प्ले करने जा रहे हैं, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट लुक है। अब यहाँ पे हम बैक करके सीधे से सिंपल इसको देख लेते हैं, और देखने के बाद हम इसको शेयर पर क्लिक करेंगे, सेव एस वीडियो गैलरी, गैलरी पे वीडियो पे देखो HD है, HD है, लो क्वालिटी, जो क्वालिटी आपको समझ में आप सीधा सा कर लेना। लास्ट टाइम प्ले करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो देखिए कुछ ऐसा चल रहा है हमारा फाइनल प्रिंट। तो देखिए आपने दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाय।